गाइस सीरियसली 2 साल हो गए हैं जब शो स्टार्ट हुआ था, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये हम हर बार बोलते हैं। और इतना प्यार आप लोगों से मिलेगा ये भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे तो एक्चुअली सच में से लगा था अरे चल काम मिल गया है, 6 महीने 7 महीने करूँगी और ख़त्म फिर। बट ये शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, मतलब अभी तक जो मैं हूँ इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस शो। एंड आई ओ एवरी थिंग वट एवर आई हैव लर्नड। आई थिंक अगर आज कोई मुझे ये भी बोलता है कि ये परफॉर्मेंस अच्छी है तो आई थिंक वो सब, या अपनी रियल लाइफ में भी अगर कुछ लेसन्स मैंने लिए हैं, सीखा है, तो शो ने मुझे बहुत सिखाया है ऑफ कैमरा ऑन कैमरा। तो जब आप लोग सेट पे आते हैं या आप लोग हमें कुछ ट्विटर पे भेजते हैं या आप लोग हमारे लिए कुछ बनाते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। सच बताऊँ बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि लास्ट डे है, बट यू नो एज दे से दैट शो मस्ट गो ऑन। सो वही चीज़ है, वी आर वेरी हैप्पी, वी हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड 2 years एंड वी हैव योर लव। एंड आई थिंक बस एज इन क्या बोलूँ मैं, और बाकी आई थिंक परम विल कंटिन्यू। थोड़ा सीरियस हो गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जर्नी थी मेरी, लास्ट 2 years वर वेरी गुड इन माई लाइफ ऑल बिकॉज ऑफ दिस शो। करियर वाइज लाइक इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ आई हैव ग्रोन इन द पास्ट 2 years। अच्छे दोस्त मिले, अच्छे कोस्टार्स मिले, बहुत कुछ सीखा मैंने, अच्छे लोगों के साथ काम किया मैंने, एंड स्पेशली यू नो आई मेट यू गाइज, जिन्होंने मतलब जिनकी वजह से थोड़ा बहुत मेरा अभी कुछ नाम हुआ है, तो विच इज़ गुड। सो रियली थैंक यू सो मच यार फॉर लविंग अस, सपोर्टिंग अस। संधीर आज कैरेक्टर्स तो हम लोगों के बहुत क्लोज हैं, बिकॉज आई थिंक संधीर ने हर वो उतार चढ़ाव देखा है जो कोई भी इंसान अपनी नॉर्मल रिलेशनशिप में देखता है। और एक्चुअली थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए भी क्योंकि दोनों ही थोड़े दिमाग से सनकी हैं कहीं ना कहीं, और दोनों ही अपनी चीज़ों पे स्टक रहना चाहते हैं, और ईगो नहीं है, बट दोनों दे कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट स्कूल ऑफ लर्निंग। मैंने कुछ और एक्सपीरियंस, संयुक्ता ने कुछ और एक्सपीरियंस किया है बचपन से, और रंधीर ने कुछ और एक्सपीरियंस किया, और मे बी बिकॉज ऑफ दैट हम लोग कहीं ना कहीं अपने थाट्स में थोड़ा स्टक हैं। बट एक चीज़ है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं, मतलब प्यार की वजह से वो और चीज़ों को ओवरलुक करते रहे हमेशा। तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन वॉट इज़ योर प्रायोरिटी एट दैट पॉइंट। मतलब एडजस्टमेंट मुझे लगता है कि दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में भी हो सकती है इफ़ दे रियली वॉन्ट। तो आई थिंक हमने वो पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, बाकी आई थिंक टीनेजर लवर्स जैसे होते हैं वही थे हम, लड़ाई झगड़ा प्यार, और जैसा जब जैसे TRP आप हमें बताते थे जिस थर्सडे को, उसके अगले थर्सडे हम बिल्कुल वैसे ही हो जाते थे। तो बहुत अच्छी रही है, बहुत क्लोज कैरेक्टर्स हैं। मैंने वी आर दिस इज़ माई फर्स्ट कैरेक्टर एवर ऑन लाइक यू नो TV और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने वी हैव एक्चुअली लिव्ड आर कैरेक्टर्स, इट्स नॉट कि हमारे में, मतलब आई रियली थिंक कि नहीं एक्चुअली आई डोंट थिंक एनी थिंग, बट संयुक्ता का इट्स शी इज़ क्लोज टू मी, आई थिंक आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम हर। सो या मेरा कोई क्लोज नहीं है सच में, मैं तो 12 घंटे शूट करता हूँ उसके बाद मैं चले जाता हूँ अपने कैरेक्टर से, जिस सेट पे कैरेक्टर में रहता हूँ। बट या ना हू फॉरएवर लाइफ में कौन मैं आई एम एन एक्टर यार, अभी ये कैरेक्टर है बाद में कोई और कैरेक्टर होगा, बट दिस कैरेक्टर एज हर्षिता सेट की संयुक्ता से उसे सीखने बहुत मिला, मुझे रणधीर से भी बहुत कुछ सीखने मिला, लाइक यू शुड स्टैंड फॉर थिंग्स विच यू बिलीव इन, एंड मतलब अच्छे, मतलब बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है एक्चुअली प्ले करने के लिए, बहुत सीखने मिलता है इस आदमी से, और ऐसा ही होना चाहिए हर इंसान को, इज़ ए नाइस, मतलब इससे साफ इंसान कोई नहीं हो सकता जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, रियली व्हाट आई मीन, कोई इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, इज़ वेरी मिसअंडरस्टूड, अगर आप समझोगे तो इज़ वेरी गुड। सेम तो बेचारी एक ही चीज़ बोलती रहती थी यार, वो लड़की है तो क्या हुआ, ड्रीम्स तो उसके भी है ना, वी डोंट नो यार, वी डोंट नो, वी होप, यू होप, मेरे को तो पता नहीं है, मुझे भी एक्चुअली आपको नहीं पता है तो आप बता दो।
और हमको तो पता नहीं, हम तो रूमर सुन रहे कि ये है वो ये है। और हम तो ये भी रूमर सुन रहे हैं कि हम लोग के बच्चे भी हो जाते हैं सेकंड सीजन में। मैंने ये रूमर सुना है कि कोई नया लड़का भी आ रहा है तेरे ऊपर। मैंने तो ये सुना है कि हम लोग के बच्चे हो जाते हैं सेकंड सीजन में। बच्चे हो जाते हैं रूमर्स, तो मतलब रूमर्स ही होते हैं। आई डोंट नो, हमें नहीं पता, बट हमें किसी ने नहीं बताया। अगर आपको पता चलता है तो प्लीज हमें इस बात की सूचना दीजिए। हमारा नंबर है आप यहाँ नीचे लिखे हुए नंबर पे, यहाँ पर हमें कॉल कर सकते हैं।